गौरी मैरिज हॉल एसी एंड नॉन एसी हॉल उपलब्ध है। शादी विवाह जन्मदिन मीटिंग रिसेप्शन सगाई आदि के लिए संपर्क करें। नारायणपुर में श्री रुद्रचंडी महायज्ञ में किया गया सजातिवास, उमड़ी भक्तों की भीड़। जीरादेही के नारायणपुर में आयोजित 9 दिवसीय श्री रुद्रचंडी महायज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार तथा हिंदू रीति रिवाज व परंपरा के अनुरूप मूर्ति का सजातिवास किया गया। आचार्य लक्ष्मी निधि मिश्रा ने बताया कि विभिन्न द्रव्यों व फलों से मूर्ति का सजातिवास किया गया है। इसके पश्चात न्यास कराया जाएगा और अंत में मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर दूर दराज से आए भक्तों से पूरा यज्ञ क्षेत्र भरा हुआ था। यहाँ पे जो रुद्रचंडी महायज्ञ चल रहा है, इसका क्या महत्व है? यह यज्ञ विगत यहाँ पे एक बहुत बड़े संत थे श्री राम नारायण दास जी महाराज जी, उनका बहुत दिनों से सपना था कि यहाँ मंदिर पर यज्ञ हो जी, लेकिन विगत वर्ष में उनका देहांत हो गया, नहीं है अब इस दुनिया में। लेकिन उनका सपना पूरा करने के लिए पूरे गांव पूरे क्षेत्र के सहयोग से यह यज्ञ हुआ कि नहीं, यज्ञ किसी भी स्थिति में 2 साल इसके पहले भी यज्ञ का प्रोग्राम बना था लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया था। लेकिन पूरे गांव के लोग इस बार प्लानिंग बनाए कि नहीं किसी भी स्थिति में यज्ञ को करना है और हमारे महाराज जी का जो मन का मनोकामना था उसको पूर्ण करना है। इसलिए पूरे जनता के कल्याण के लिए यह यज्ञ का प्रयोजन किया गया है। यज्ञ बहुत अच्छा से चल रहा है, 9 दिवसीय महायज्ञ है और बहुत ही सुंदर रूप से यज्ञ का स्वरूप पकड़ा हुआ है। इसमें रामलीला भी चल रहा है, दिन में कथा, रात्रि में कथा भी चल रहा है और हमारे बनारस से विद्वान लोग आए हैं जो प्रातःकालीन पूजन चलता है, शाम को 3 बजे से सभाकार चलता है और मूर्ति का संस्कार प्रतिदिन चल रहा है, जिसमें आज सज्जाधिवास का कार्यक्रम किया गया, जिसमें फल से ढका गया है, फूल से, पुष्प से, द्रव्य से, घी से, मिष्ठान से ढका गया है, सज्जाधिवास किया गया है। कल मूर्ति को उठाकर न्यास कराया जाएगा और परसों मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। मेरा नाम पंडित लक्ष्मी निधि मिश्रा, मैं इस जगह का यज्ञाचार्य हूँ। अभी आप ही के नेतृत्व में यहाँ पे रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है जी, पूरा भारत विश्व के लिए, हर मनुष्य के लिए हम लोग देखिए यज्ञ करते हैं, सबको कल्याण के लिए जी, जितना से जितना प्रयास हम लोग बने जी, हम लोग रवि के साधुओं के देखिए जो नेम है कि कम से कम सब लोग के कल्याण होगा, जितना प्रयास किया जा रहा है हर आदमी की शिक्षा इसे प्राप्त होगा कि भाई इस प्रकार से हम लोग के धर्म है, संस्था है। आज की युवा पीढ़ी जो है धर्म से विमुख होती जा रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसी के लिए मैं कर रहा हूँ यज्ञ, आप कम से कम लेकिन युवाओं का मतलब हुजूम यहाँ पे नहीं दिख रहा, महिलाएं काफी मात्रा में आ रही हैं। विशेष माताओं के हमेशा रखी इस पे नतीजे ये प्राप्ति रहते हैं, विशेष यज्ञ जाप पूजा पाठ हमेशा रखी जो माताओं के युवाओं के लिए हम कह रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो धर्म से विमुख होती जा रही है, उनको मोबाइल की दुनिया और सांसारिक चीजें बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि यज्ञ धर्म नियम नीति इन सब चीजों में मन नहीं लगता, उनके लिए क्या कहें? इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। ठीक, अपना नाम बता दें। श्याम सुंदर दास जी महाराज। यहाँ पे रुद्रचंडी महायज्ञ जो हो रहा है इसके बारे में बताएं। रुद्रचंडी महायज्ञ हो रहा है इसके बारे में बता रहा हूँ कि यज्ञ होने से विश्व का कल्याण होता है, मानव जाति का उत्थान होता है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? अभी बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं, मतलब आस पास के गांव के भी लोग आ रहे हैं, आस पास के अगल बगल के गांव के तो डेली आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए तो रुद्रचंडी महायज्ञ में मेला भी लगा हुआ है, झूला भी आया हुआ है, सारा व्यवस्था हुआ है। ये व्यवस्था किसके द्वारा किया गया? ये महंत श्री खजराज श्याम सुंदर महाराज जी के देख रेख में सारी व्यवस्था की गई है जी जी, और ग्रामीणों का सहयोग से, जिसमें मैं मुख्य जजमान के रूप में मेरे पिताजी श्री जयराम पंडित जी का मैं सुपुत्र हूँ जी, और मैं काफी प्रयास से और मेहनत से सभी लोगों को लेकर के साथ चलने का प्रयास किया, सभी लोग से मिलजुल कर। आपको इस यज्ञ को कराने को लेकर के तो मतलब नेतृत्व करने की प्रेरणा कहाँ से आई? ये मेरे पिताजी से, वो भक्ति भाव में रहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग इस पुण्य के कार्य के मतलब आप भागी बने। ठीक है, नाम बता दीजिए। सुलेंद्र पंडित मेरा नाम है। घर बता दीजिए। नारायण। यहाँ पे आपके गांव में जो रुद्रचंडी महायज्ञ चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है?
रामलीला हो रहा है। अच्छा, रामलीला के साथ प्रवचन हो रहा है और तीन सुबह नाश्ता दो टाइम भोजन की व्यवस्था है, चाहे जितने आदमी आ जाए, जो भी मतलब श्रद्धालु आ रहे हैं, हाँ जो भी आ रहे हैं, जो उनको भोजन के लिए बुला बुला दिया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान बढ़िया से जग पार करें, इसलिए कि जो है हम लोग, हम तो 40 साल अब आए हैं तो अब इसमें लगे हैं, पहले तो हम इस समय नहीं थे लेकिन अब तो फ्री हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, नाम बता दीजिए। रमाकांत जाधव। आप इस यज्ञ में यजमान की भूमिका में हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने गांव में जब रुद्रचंडी महायज्ञ मेरे श्री श्री 1008 श्री राम नारायण दास त्यागी जी महाराज का जो सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग तन मन धन से इस जग में सहयोग कर रहे हैं और पूजा पर बैठे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इसी उम्र में मुझे इस 33 करोड़ देवता का जो यज्ञशाला बना है उसमें हम को बहुत भाग्यशाली हैं और मुझे इस यज्ञ में बैठने का मौका मिला है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जय प्रकाश यादव है। हमारे राम नारायण दास जी जो थे उनके आकांक्षा था कि हमारा यहाँ यज्ञ होना चाहिए। हम लोग सभी आदमी जो है, हम सभी आदमी जो है मिल करके ग्रामवासी सब लोग इस यज्ञ को कर रहे हैं, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय राम पंडित। आप यज्ञ में अभी शामिल हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप मतलब धर्म के कार्यों में शुरू से ही रुचि लेती हैं? अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब वेदी पे बैठ करके। ठीक है, नाम बता दीजिए आप। हमरा तो बहुत अच्छा लगा था जॉब। अच्छा, और सारी हमरी मैंने जैसे हमारा गांव बा नारायणपुर, सब लोग के भी तन मन धन से सब सहयोग में बा। अच्छा, हम भी जितना बा नारायणपुर भक्तन सिकिया जितना मैंने गोठी नारायणपुर बड़हुलिया भवराजपुर सारा लोग तन मन धन से मैंने। अच्छा, जहाँ कहीं अच्छा भी यज्ञ होता वजह देखल जाता कि मेहरारू लोग खूब जुटा था, लो मरद लोग निकल जुटा था, का कहे रहो? मरद लोग के ना अच्छा लागत हो से ना मन भक्ति में लोग मन निकल लागो। आज मेहरारू लोग तो हम लागत कि 2000 तक लोग कलसा उठा ले रहे। अच्छा, नाम बता दो। ऊपर वाला का दया रहो कि सब लोग कुशलता रहो। नाम बता दो। हमर नाम भागमणि देवी।